से वो लोग भी नहीं आए हैं, यहाँ के भी। ये तो हमारे मथुरा से आए हुए अधिकांश वही लोग हैं। क्या रामचंद्र को कुछ बोलना है क्या? आपको कुछ बोलना है बोलिए, खड़े ही ऊपर के बोलिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नयमाम चरणं तुते। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रण की गया। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारीगण और सब ब्रह्मचारीगण वैष्णवगण माताएं और बहनें आज हम लोग कुछ सनातन धर्म के संबंध में विचार करने जा रहे हैं। सनातन धर्म के संबंध में साधारण लोगों की कुछ भ्रांत धारणाएं हैं। जो सनातन नहीं है उसी को सनातन समझ लेते हैं। सनातन माने भूतकाल में भी रहने वाली, वर्तमान काल में भी है, भविष्यत काल में है, जो सदा रहने वाली है वो सनातन चीज है। एक बात सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि लौकिक कर्तव्य में और अकर्तव्य के विषय में पारमार्थिक क्या कर्तव्य है, इन संबंधों में वेद ही एकमात्र हमारे प्रमाण है। जो कुछ हम करते हैं अच्छा बुरा वो स्वयं भगवान से जो प्रकटित वेद है अपौरुषेय है उसी के द्वारा निर्णय होता है। और वेद कहने से भी वेद उपनिषद स्मृतियां महाभारत रामायण समस्त पुराण और उनमें भी महामहापुराण ये श्रीमद्भागवत
प्रमाणों का शिरोमणि है, अमल प्रमाण है। इसलिए किसी भी विषय में विचार करने के लिए इन लोगों पर निर्भर रह करके ही विचार करना होगा, तभी हम लोग सुखी और शांत रह सकते हैं। जो लोग इनको नहीं मानते वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, संभव पर ही नहीं है। इसलिए हम लोग जो कुछ कहेंगे शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर कहेंगे। जो लोग शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर नहीं कहते अथवा शास्त्रीय प्रमाणों का भी अर्थ उल्टा उलाट उलाट करके कहते हैं, उनके विचार ठीक नहीं। आजकल यही हो रहा है, आजकल देखिए वेद विरोधी बौद्ध धर्म का कितना प्रचार हो रहा है और धर्मों का जो सनातन नहीं है उनका प्रचार हो रहा है। इसलिए आज मैं सनातन धर्म के संबंध में कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। सनातन कहने से सदातन, जो नित्य काल में जिसकी स्थिति है उस धर्म का नाम सनातन धर्म है। और भी साधारण विचार से बोधगम्य भाषा में इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो नित्य वस्तु का धर्म है, जो स्वयं नित्य हो। जब विचार करते हैं शास्त्रों के अनुसार में तो हम लोग देखते हैं संसार में दो वस्तुएं नित्य हैं, अजर अमर शाश्वत वे लोग हैं। एक को कहा गया है जीवात्मा और दूसरी को कहा गया परमात्मा। परमात्मा शब्द की सर्वोच्च स्थिति भगवान कृष्ण में है। अब हमारे गीता में भी भागवत में भी ऊपर सर्वत्र एक ही बात कही गई है विभिन्न शब्दों में। जैसे कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, एक अनेक चेतन है, एक नहीं अगणित, कोटि भी कहना कोटि कोटि भी करोड़ों भी कहना कम है, अगणित अनंत है। जीव अनंत एक भगवंता, भगवान एक है। अब गीता में भी ऐसा नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, चेतनों में भी जीवात्मा चेतन, इन सब चेतनों में भी परम चेतन परमात्मा अथवा उनको कहिए भगवान श्री कृष्ण। ये नित्य चेतन समस्त आत्माओं के मूल आत्मा है। अब इनमें से जीवात्माओं का जो नित्य है, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, जीवात्मा के लिए कहा गया, कृष्ण कहते हैं ममई वांसो, मेरा विभिन्नांश है ये जीव और ये सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है जिसका विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है जीव का नहीं। और भगवान के लिए कहा अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ श्याम
जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये श्री कृष्ण के लिए परमात्मा के लिए कहा गया। इसलिए कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, इनसे बढ़कर के परतत्व नहीं है। वही राम कृष्ण राम और दूसरे दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं, इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जीव का जो नित्य है वो भगवान के प्रति क्या उसका धर्म है, यही नित्य धर्म है, क्योंकि जीव भी नित्य है परमात्मा भी नित्य है। इसलिए जीव का धर्म भगवान का नहीं, जीवों का भगवान के प्रति जो धर्म है यही नित्य धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म इत्यादि के रूप में कहलाता है। यही एकमात्र जगत में कृष्ण एक हैं, भगवान एक हैं, चाहे उनका विभिन्न नाम हो देश काल के अनुसार। तो इन जीवों का जो धर्म है उनके प्रति यही नित्य सनातन धर्म है। इसी को श्रीमद्भागवत इत्यादि में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया, वेदों में भी कहा, सर्वत्र, और इसी की व्याख्या पुराणों में की गई और विशद व्याख्या महाभारत और वाल्मीकि रामायण इत्यादि में की गई। इसी की उदाहरण के साथ में बोधगम्य रूप में जो लोग साधारण लोग समझ करके इसका आचरण कर सकते। अब ये है क्या जीव का वो धर्म क्या है, शाश्वत जो नित्य सनातन धर्म वो है क्या, तो इसके लिए कहते हैं सबई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति अधो। कृष्ण के प्रति जीव का स्वरूप धर्म स्वरूपानुबंधी धर्म, शरीरगत नहीं स्वरूपानुबंधी, अर्थात जीव के शुद्ध निर्मल शरीर का धर्म परम पुरुष सर्वशक्तिमान रस के समुद्र अघटन घटे पटियसी शक्ति वाले कृष्ण का नित्य सेवक ये जीव है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अभी दासत्व तो भूल करके हम माया का दास हो रहे हैं, करना पड़ेगा वही जो स्वरूप में है और इधर उधर आप जा नहीं सकते, किंतु कहीं शुद्ध रूप में कहीं परछाई के रूप में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्री की सेवा कर रहे हैं, स्त्री पति की सेवा कर रही है, कोई विषयों का सेवन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो सेवा ही है किंतु परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, शुद्ध वो सेवा नहीं है। इसलिए शुद्ध के लिए कहा गया सवाई पुंसा, निश्चित रूप से भगवान की इंद्रियातीत जो भगवान है, वाक्य इत्यादि अगोचर जो भगवान है, उनकी जो नित्य सेवा है और वो सेवा उनको प्रसन्न करने के लिए ही है, यही जीव के लिए परम धर्म है। यह कैसा है, निरंतर जमई, कभी बंद नहीं होने वाला और समस्त इंद्रियों के द्वारा साधित होता है, ऐसा यह धर्म है। इसी को हमारे और दूसरे शास्त्रों में भी तरह तरह से कहा, ईश्वरे परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परानुरक्ति, जेनिकेना उपायेना कृष्णे मनोनिवेशय, और समस्त परिभाषाओं के भक्ति के जितने भी परिभाषाएं हैं उनको क्रोड़ीभूत कर इधर आइए क्रोड़ीभूत कर समस्त परिभाषाओं को जितने वेद उपनिषद शास्त्र में जस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु, ये सब को क्रोड़ीभूत करके हमारे चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हीं के प्रेरणा से ये उसकी परिभाषा एक लिखी,
आइए इधर में बैठे। परिभाषा लिखी है वो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तम। साधारण रूप में समझिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तमा। भक्ति किसको कहते हैं? जब अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा तन से मन से वचन से और उसके अतिरिक्त भावना से अनुकूल रूप में प्रतिकूल रूप में सब प्रकार से कृष्ण की नयंतर्यमयी सेवा जो गुरु और वैष्णवों के आनुगत्य में हो इसको भक्ति कहते हैं। तन से मन से वचन से और उसके अतीत भावना से अनुकूल रूप में प्रतिकूल में उनको छोड़कर प्रतिकूलों को त्याग कर अनुकूल रूप में गुरु वैष्णव के आनुगत्य में जो इस विषय में एक्सपर्ट हैं तत्वविद हैं जब यह भक्ति की जाती है कृष्ण के लिए ही की जाती है और कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर कृष्ण का तात्पर्य कृष्ण और जिस रूप में अवतरित होते हैं भगवत तत्व के रूप में उनके लिए। यहां बात एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृष्ण से लेकर विष्णु तक ये सारे विष्णु भगवत तत्व हैं। शंकर जी सदाशिव के रूप में भगवत तत्व है विष्णु तत्व है किंतु रुद्र जो गुणावतार हैं ये भगवत तत्व नहीं उनके दास हैं समस्त वैष्णव में अग्रगण्य हैं। ब्रह्मा जी उनके सेवक हैं तो फिर दुर्गा जी की और गणेश जी और लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए कहीं भक्ति का उपयोग भगवान से ही है जो भगवत तत्व है। इस पर यदि गणेश की हो माता पिता की हो और जैसे कहा ब्रह्मा इत्यादि को तो भक्ति नहीं कही जाएगी उनके प्रति श्रद्धा है बस। भक्ति करने से ये बोध होगा और इसमें भी एक शर्त है ये तो भक्ति हुई जो मैंने कहा किंतु यदि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी लौकिक पारमार्थिक कोई भी इच्छा हो तो भक्ति नहीं होगी वो कर्म मिश्रा भक्ति हो जाएगी आरोप सिद्धा संग सिद्धा इत्यादि भक्ति हो जाएगी स्वरूप सिद्धा वो भक्ति नहीं रह सकती। इस चीज को समझना उदाहरण देकर के हम लोग समझाएंगे। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त भगवान की जो सेवा है वो भक्ति नहीं वो दूसरी काम। जैसे अभी संक्षेप में बतला रहा हूं ध्रुव जी की भक्ति भक्ति थी किंतु वो कर्म मिश्रा भक्ति थी। भगवान की सेवा की भगवान का ध्यान चिंतन किया किंतु उसका फल मंगा जो हमको पृथ्वी का राज्य मिल जाए और भगवान ने भी दे दिया उनको 36,000 वर्ष तक राज्य दिया। ये भक्ति का भक्ति ने कर्म मिश्रा भाव भक्ति किया किंतु भगवान की सेवा के लिए नहीं किया किया किसके लिए अपने लिए इसलिए भक्ति नहीं। और भी उसका एक तटस्थ लक्षण और है। पहला तो ये हुआ भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो अपने लिए ना करो कृष्ण की सेवा के लिए। इसमें कुछ भी लेना नहीं है जैसा उन्होंने बतला देना है सर्वस्व सब कुछ कृष्ण के लिए। व्हाट एवर यू डू डू फॉर कृष्ण हरि गुरु वैष्णव के लिए करो।
और दूसरी बात है यह भक्ति कर्म ज्ञान जो तपस्या इत्यादि से आच्छादित नहीं रहने वाली हो, अर्थात लौकिक कर्म जो शुभ कर्म है उसके द्वारा भक्ति होती है ये कभी न हो। ज्ञान से भक्ति होती है नहीं, योग से भक्ति होती है नहीं, स्वयं प्रकाश है। जैसे कृष्ण स्वयं प्रकाश है, उनको कोई प्रकाश करने वाला नहीं है, ये भक्ति भी वैसे ही है, ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। इसलिए कृष्ण जैसे स्वाधीन है, स्वतंत्र इच्छा है और अपने आप प्रकट होते हैं किसी के हृदय में प्रसन्न होने पर, वैसे भक्ति की भी ऐसी ही वृत्ति है, उनको कोई भी प्रकट, यहां तक कि कहा गया है कि ये भगवान भी उसको उसके कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, बस एक भक्त ही उसका कारण हो सकता है जो मध्यम अधिकारी है, इत्यादि बहुत प्रकार के विचार हैं। अब हम लोग इसको समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले गुरु तत्व पर विचार करें। यदि ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो, बुद्धिमान सब जानने वाला, तो अभी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बिन गुरु भवन धी तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। भगवान का भक्ति करते हैं, गुरु से कोई संबंध नहीं, दलाल की क्या जरूरत है, भक्ति नहीं आई क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है ना, वो आई नहीं सकती। अतः खूब विचार करके इस सनातन धर्म को समझेंगे, यही भक्ति ही सनातन है। अब इसी का क्रम विकास है, पहले ये साधन भक्ति कहलाती है, फिर भाव भक्ति कहलाती है, इसके बाद में प्रेम भक्ति कहलाती है, इसके बाद में भक्ति नाम अपना छोड़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मादन भाव, और इसके बाद में राधिका का सर्वोच्च भाव मादन भाव तक पहुंचाना, ये भक्ति। नीचे में श्रद्धा से लेकर प्रारंभ में श्रद्धा से लेकर के चलो, आदव श्रद्धा तथा साधु श्रद्धा, और अंतिम सोपान उसका वहां तक है। इसलिए राधा जी का जो अपना भाव है जो किसी में भी नहीं है, वो भक्ति का चरम उत्कर्ष है, जिसको मादनाख्य भाव कहते हैं, ये भक्ति का ही अंतिम सोपान है। हम लोग कुछ कुछ इसका यहां पर विवेचन करेंगे, जैसे कि साधारण लोग भी समझ, हम लोग तो यही समझ रखे थे, यहाँ के साधारण लोग जन साधारण आएगा, जैसे पिछली बार कम से कम तो 8-10 हजार आदमी आए थे, तो इस बार वर्षा से सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था ये लोग समझें सुने और धर्म की तरफ में अग्रसर हों, भक्ति के तरफ में अग्रसर हों, कब, कल परसों नहीं, आज ही अभी, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी के बोल। ये मैं नहीं कर रहा, शास्त्री कहते हैं, तू न जते त न पते त अनुमृत्यु जावत निशेषाय विषा फल। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी या उनके पिताजी स्वयं वो नारायण स्वरूप है, व्यास जी का है, तू न जते, विषय तो सब जगह पड़ा है, गधे सूकर में भी, कुकर में भी, पैखाने के कीड़े में भी, परस्पर पत्नी पत्नी बाल बच्चे सब, और सुख भोग वो सब मिल जाता है, उसके लिए क्या चिंता करो, अभी इस जन्म में अभी तुरंत आरंभ कर दो भगवत भक्ति, जिसे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कल क्या होगा कुछ पता नहीं, अभी अमेरिका में सुना होगा जो क्या ये चल रहा है, हरिकेन चल रही है, और लाखा रीटा नाम है, रीटा फॉर्मेलिटी
और कितने आदमी घर बार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक भूचाल आया है और क्या हो गया भारतवर्ष में, गुजरात में, और कहीं एक बार मुंगेर इत्यादि में क्या हो गया, अभी सुनामी ना क्या, जापानी सब क्या हो गया, परलय परलय होगी बहुल करोगे। आज से ही जो सुन रहे हैं सनातन धर्म भक्ति धर्म की तरफ में अग्रसर हुई है, बहुत सरल सहज पथ है। आपको नमाज पढ़ने के समय में 15 बार उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, दम फूल जाएगा, और इसमें भक्ति में कुछ भी नहीं करना। अरे भैया हाथ उठा कर कैसे नहीं कर सकते, तो हरे कृष्ण बोल, अब इससे सहज क्या हो सकता है। इसलिए देरी न करके, विलंब न करके आज ही से आज। इसलिए गुरु के चरित्र के संबंध में श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है व्यास जी और उनके गुरु नारद जी के संबंध में, कुछ हमारे रसानंद ब्रह्मचारी जी कुछ सरल सहज भाषा में उसको बतलाए खड़े होकर। गुरु तत्व की महिमा सुनी, विशेष करके व्यास जी ने वेदों का विभाग किया और उसका सार संकलन करके ब्रह्म सूत्र उन्होंने बनाया, करीब करीब 550 सूत्र लिखे, उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई, विशेष करके उसका अर्थ यथार्थ रूप में करने के लिए गायत्री का भाष्य इत्यादि प्रकट करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। आप लोगों ने ये सब सुना और उसमें बतलाया गया कि गुरु की बिना कृपा के उनका चरणाश्रय किए बिना भगवत भक्ति और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यास जी ने नारद जी की कृपा से भक्ति योग में प्रतिष्ठित होकर के समाधिस्थ वो हुए। तात्पर्य क्या, भक्ति माने शरणागत, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, सब तत्वों को प्रकाशित कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जदा पाश्याम, उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा। कैसे पूर्ण कब होगा, जब उनकी पराशक्ति माया शक्ति समस्त लीलाएं सब कुछ प्रकट हो। उन्होंने उसमें देखा पीछे की तरफ में माया खड़ी है लज्जित रूप से, जो जीवों को मैं कष्ट देती हूँ, और सामने में देखा अपश्यत पुरुषम पूर्णम, कृष्ण को देखा, श्रीमती राधिका को देखा, गोपियों को देखा, रास इत्यादि लीलाओं को देखा, जन्म से लेकर के सारी लीलाओं को उन्होंने देखा, समाधि में ही सब कुछ उसमें देखा, और नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी सबको देखा, जो जो लीलाएं की जन्म से लेकर के सारी लीलाओं का उन्होंने उसमें दर्शन किया। और तब जस्या वै सूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपपद्यते साक्षात भक्ति हो भया। उन्होंने जो कुछ समाधि में देखा, जो कुछ देखा था उसी को लिखा, लिखा माने उनको प्रकाश किया। भगवान की लीलाएं नित्य हैं, कोई नवीन नहीं, इसलिए व्यास जी ने जो जो कृष्ण की लीलाएं जैसे हुई थी वो देखा। पहले उन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि जो प्रकाश किए उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात लिखी, कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया, और इस बार उनकी कृपा से उन लीला कथाओं का वर्णन किया जिसके श्रवण करने से सो मोह भय दूर हो जाता है और कृष्ण के चरणों में अहेतुक प्रेम आभक्ति ब्रज भक्ति लाभ होती है। उसी को समाधि भाषा को श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसमें शुद्ध भक्ति की बात कही गई है, धर्मो प्रोज्जित कई तो वो अत्र परमो निर्मा शरण सताम, इसमें क्या लिखा गया, कपट धर्म नहीं, इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की विवासना जो सबसे गंदी चीज है उसमें नहीं, एकमात्र परमहंस वैष्णव के लिए इसमें कृष्ण की जो सेवा है केवल उसी का वर्णन किया। इसमें गोपियों का कि जो सेवा है वही सर्वोत्तम है इस भागवत में दिखलाई गई है। एक कृष्णदास एक कीर्तन करो, तो खड़े होकर के सबको कीर्तन करा दो।
अब तक हम लोगों ने भक्ति तत्व के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में और गुरु तत्व के संबंध में बतलाया, बिना गुरु के ये भक्ति नहीं होगी, किंतु ऐसे तैसे गुरु से भी नहीं होगी। जो शास्त्र वचनों के द्वारा समस्त सेवकों के समस्त शंकाओं को समाधान कर सकते हैं, ऐसा गुरु चाहिए। शास्त्र ज्ञान में रहने समाधान नहीं कर सकते, सब शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाले हों, केवल यही नहीं, अपने भजन के प्रभाव से कुछ भगवत अनुभूति होनी चाहिए और साथ ही साथ में संसार से विरक्ति भी होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु का पदाश्रय करने से शुद्ध भक्ति हो सकती है। इसलिए हम लोग अब भक्ति के स्तरों पर विचार करने जा रहे हैं। भक्ति के स्तरों में भक्तों को पांच भागों में विभक्त किया गया है। एक होते हैं ज्ञानी भक्त, फिर होते हैं शुद्ध भक्त, इसके बाद में प्रेमी भक्त, इसमें प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, पांच प्रकार के। इनमें जो पांच प्रकार के भक्तों की बात बतलाई, इनमें ध्रुव कहीं भी नहीं है, क्योंकि भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। तो अभी हम लोगों को समझना चाहिए, साधारण लोग तो ऐसा ही चाहते समझते हैं, जैसे एकलव्य को गुरु भक्त मान करके अपने शिष्यों का नाम भी एकलव्य रखने लग गए हैं। मूर्ख लोग हैं, तत्व तो नहीं जानते। एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया अपने गुरु को, उन्होंने ले लिए द्रोणाचार्य ने, और मांगने के साथ साथ काट करके और उनको दे दिया, और बड़ा भक्त है, किंतु गुरु जी की बात नहीं हम मानेंगे। कि ऐसे मूढ़ शिष्य लोग हैं, गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। उन्होंने चाहा कि तुम कृष्ण से और अर्जुन से बराबरी करने मत जाओ, उनके प्रति ईर्ष्या छाड़ो, किंतु वो माना नहीं। अर्जुन को हराने के लिए, मारने के लिए और कृष्ण को भी परास्त करने के लिए या मारने के लिए वो द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चाहता था, और उन्होंने उसका अपराध ना उसलिए अंगूठा मांगा, तो भी अभ्यास किया, अंत में कृष्ण के चक्र से मारा गया। इसलिए एकलव्य गुरु नहीं है, उसमें गुरु निष्ठा नहीं है, गुरु द्रोही है, उसकी बात नहीं मानते। उसी प्रकार से अब गुरु की सेवा गुरु की मनोभिलाषा के अनुसार में चलनी चाहिए। तो ध्रुव जी में देखते हैं भक्ति तो है, क्योंकि भगवान की खूब आराधना की, किंतु उनकी भक्ति में कहां त्रुटि है जो शुद्ध भक्ति में नहीं आ सकी, इस पर श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अब समय होने जा रहा है, 8:30 के पहले ही हम लोगों को समाप्त करना है। ध्रुव जी ने केवल 6 महीने में ही, और वो भी कैसे, अन्न जल त्याग कर दिया, यहां तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया, समाधिस्थ हो गए, भगवान का दर्शन मिला, और भगवान ने उनकी कामना पूर्ति के लिए 36,000 वर्ष के लिए राज्य भोग दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में उनके लिए विमान आया, उनको परम धाम में जाने के लिए, नहीं मैं अकेले नहीं जाता, मेरी मैया कहाँ है, आगे मैया चलेगी तब मैं जाऊंगा, अभी मैया के प्रति भी मोह है, इसलिए उनको कौन सा लोक मिला, गोलोक बैकुंठ धाम नहीं मिला, ब्रज धाम नहीं मिला, भगवान की सोई सेवा प्राप्त नहीं हुई, वो ध्रुव लोक में गए।
जिसकी सूर्य भी परिक्रमा करता है वो नश्वर नहीं, अविनश्वर धाम है, बात तो ठीक है, किंतु वहां पर भगवान की लीलाओं का प्रकाश, जन्म इत्यादि लीला और ये सब नहीं है। यहाँ तक जैसे रामचंद्र जी की लीलाओं में हनुमान जी की जो सेवा है वो भी नहीं हुआ, और इससे अधिक की तो बात क्या है। इसलिए उनको ध्रुव लोक में रहना पड़ा और उसी से संतोष। इसके बाद जाने ना जाने नारद की जब कृपा होगी, नारद जी की हो सकता है, किंतु वहां से अब आगे बढ़ना भी मुश्किल है। वो अब वहां पर पहुंच जाता है जहां से फिर आगे नहीं निकलता। जो अपने स्वरूप के उसमें पहुंच जाता है तो नारद जी के तो बहुत तरह के, किंतु उनको यही चाहिए था इसलिए उनको दिया। भगवान के प्रति भक्ति भी हुई, किंतु कुछ ये त्रुटियां हैं, इसलिए इसको गौणी उपासना, उपाधि युक्त उपासना अथवा कर्म मिश्र भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति इत्यादि को कहा जाता है। अगले दिन हम लोग प्रहलाद जी की शुद्ध भक्ति, ज्ञानी भक्त की हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आज तो बहुत आप लोग कम हैं, यदि दिन खुला रहा अच्छा रहा तो वही पंडाल में प्रोग्राम होगा, और पहले जैसे हजारों लोग आते थे वैसे आप लोग पधारेंगे। आज तो हमारे संबंधित जो दूर दूर के लोग हैं, शायद बरसात से वो लोग भी नहीं आए, कोई बरसात होने पर भी अभी बतलाया ना अमृत से भी बढ़कर है, अभी उनको जरूरत होगी जो हम लोगों से संबंधित है, कहीं धन मिलने की लालसा होगी, विवाह शादी की होगी तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, किंतु बरसात का बहाना बना करके यहाँ पर नहीं आएंगे, तो उन लोगों की भक्ति को भी धिक्कार ही है। इसलिए बरसात से न घबरा करके अमृत को लूटने के लिए, जो अमृत से भी बढ़ करके है, उसके लिए आप लोग को सभी लोग पधारेंगे, अपने इष्ट मित्रों को भी लाएंगे, और जो नहीं आए हैं उनसे हमारी बात कह देना जो महाराज जी ने ऐसी बात कहा। तो आज हम लोग इस कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं, अभी एक कीर्तन होगा और इसके बाद में कल के लिए आप लोग प्रस्तुत रहेंगे, वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, और नहीं तो यहाँ भी तो हॉल भर जाना चाहिए। हॉल पहले तो कुछ लोग कम थे, अभी कुछ हुआ है, किंतु अभी भी 500 आदमी इसमें और आ सकते हैं ऊपर नीचे, इसलिए 1,500 आदमी यहाँ पर सुन सकते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हुआ अपनी कथाओं का आज हम लोग यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। गौ प्रमानंदे।